हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे देख सकूँ सबसे पहले प्रॉब्लम जो कि सॉल्व कर दिया हूँ, जो कि कूलर के अंदर से करंट मार रहा था जो कि अभी नहीं मार रहा है। तो यहाँ पे मैं टच करके भी आपको दिखा देता हूँ करंट नहीं मार रहा है। तो क्यों नहीं मार रहा है, कैसे हमने इसको जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो कि हमने आपको चेक करके अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि अर्थिंग का प्रॉब्लम था, तो जो कि हमने सॉल्व कर दिया हूँ। कैसे सॉल्व किया हूँ, क्विकली किया हूँ, सो कैसे किया हूँ सब कुछ बताऊँगा, वो भी 4 मिनट के अंदर। सो देख सकते हो यहाँ पे हमने जो कि सीरीज बोर्ड के अंदर लगा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए अभी जो कि टेस्टर मार रहा हूँ तो करंट दिखा रहा है। सो दोस्तों हमने जो कि सीरीज लीड के थ्रू बॉडी शॉर्ट चेक किया हूँ पानी मोटर का, एंड जो कि मेन मोटर का, मैं पानी मोटर दोस्तों हमने चेंज कर दो पंप मोटर, फिर भी जो कि करंट आ रहा था। तो अभी दोस्तों इसको जो कि कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे देख सकते हो जो कि करंट आ रहा था, इसको पकड़ूंगा दोस्तों करंट मारेगा, जो कि 50% करंट मरता है। 100% होगा तो हमारा जो कि सीरीज लीड से पता चल जाता है मोटर शॉर्ट है या पानी मोटर फॉल्ट है। सो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने जो कि जितने भी जॉइंट है ना सब नया कर दिया हूँ, मतलब खोल खोल के चेक किया हूँ कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि सब नया जो कि जॉइंट को खोल के लीकेज चेक किया हूँ, फिर भी जो कि हमारा करंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको हमने दोस्तों एक प्रॉब्लम जो कि हमें पता चला उसको अभी दोस्तों जो कूलर है ना इसके अंदर दोस्तों हमने अर्थिंग लगा दिया हूँ। सो कैसे लगाऊँ चले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मेन वायर से दोस्तों कूलर के अंदर 3 लीड जो कि मिलता है, जो कि एक रेड एंड एक ब्लैक, दो का ही कनेक्शन होता है। तीसरा वाला जो ग्रीन कलर का वायर है दोस्तों, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो जो कि ग्रीन कलर का एक हमने ग्रीन कलर का एक कनेक्शन दे दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा जॉइंट एक, जिसके थ्रू यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रीन कलर का वायर अभी मैं अंदर गया है, ये वाला वायर। तो चलिए मैं अंदर चल के, मतलब पीछे से चल के आपको दिखा देता हूँ कहाँ से वायर हमने कहाँ पर लिंक किया हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो एक जो कि ये रहा, जो कि ग्रीन कलर का वायर हमने लाया हूँ। लाने के बाद दोस्तों जो मोटर का जो स्टड है ना, बॉडी का जो नट है ना, वहाँ पे दोस्तों हमने लगा दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा जो कि मोटर से बॉडी से थोड़ा भी यदि माइनर करंट लीक होगा ना तो अर्थ की तरह ज़मीन में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमने टेप लगा दिया हूँ। अभी दोस्तों इसको अभी हम फिटिंग करके चेक करके आपको दिखा दें कहाँ पे अर्थिंग लगाया हूँ, अभी काम कैसे कर रहा है या नहीं। तो इसको दोस्तों अर्थिंग के पास अभी दोस्तों हमारा 3 पिन का जो 3 सिर होता है उसके अंदर दोस्तों जो कि अर्थिंग वाला वायर है ना, उसको मैं कैसे लगाऊँ मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले देखिए जो कि करंट नहीं आ रहा है, सो यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अभी मैं आपको दिखा दूँ किस टाइप से आपको चेक करना है, मतलब किस टाइप से आपको लगाना है। सो ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारे जो कि घर के अंदर 3 फेस का, मतलब जो कि 3 वायर का कनेक्शन हुआ रहता है, जैसे कि एक फेस, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग का। सो यहाँ पे दोस्तों इनके घर में भी फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग का वायरिंग किया गया है। तो चलिए इसके वजह से जो कि हमें वायरिंग करना बहुत ही, मतलब अर्थिंग का काम जो कि प्रॉपरली हो गया 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं हर जगह भी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, कोई भी करंट नहीं आ रहा है, कोई भी लीकेज करंट नहीं है, टेस्टर भी नहीं ग्लो कर रहा है। सो इसके अंदर से दोस्तों 3 वायर निकला है मेनली, जो कि फेस, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। सो ऊपर है दोस्तों अर्थिंग का वायर दोस्तों ऑलरेडी बोर्ड के अंदर इंटरनली वायरिंग किया गया है। सो ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो वाला जो अर्थिंग वायर ना आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि कोई भी करंट नहीं मार रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा का ये, मतलब कैसे हमने जो कि अर्थिंग लगा दिया हूँ घर के अंदर, उसके बाद करंट मारना बंद हो गया। तो मेनली दोस्तों जो मीटर के पास 3 वायर आपको देखने को मिला, एक तो सिंगल वायर ऐसे पड़ा हुआ मैं लगा, जो कि अर्थिंग का वायर होता है, जो जब आप वायरिंग करते हो तब आपको पता चलता है, जो ये अर्थिंग के लिए एक वायर छोड़ना पड़ता है, ये रहा वो वाला वायर। सामने दोस्तों सिंपल सा एक वायर लाया हूँ, लाने के बाद दोस्तों ज़मीन के अंदर स्टेप से गाड़ दिया हूँ। गाड़ने के बाद दोस्तों हमारा जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो कि हम पकड़ रहे हैं फिर भी करंट नहीं मार रहा है। सो इसलिए दोस्तों आपका यदि आपके पास ऐसे अर्थिंग का व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करना, सिंपल सा मोटर के अंदर से एक सिंपल सा डायरेक्ट वायर लेकर ज़मीन के अंदर स्टेप से जो कि खूंटा की तरफ गाड़ सकते हो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको बता दिया हूँ ऐसे ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो।